देवियों और सज्जनों, जो चेटवुड भवन आप सामने देख रहे हैं, इसी भवन में भारतीय सैन्य अकादमी का आदर्श स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस सेना ने भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना के साथ 1 अक्टूबर 1932 को ग्रहण किया। भारतीय सैन्य अकादमी का विधि पूर्वक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंड्स की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर ही उमड़ाया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद। देश के लिए जान देने वालों का यह उत्सव अपने आप में अनूठा है। आगे बढ़ते ये वीर इस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इनके कदमों की रचना ललकार रही है, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। उठो सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें जगाने
देखो पर ये लोग जाएंगे देश की निगहबानी, सरहद की निगहबानी ये लोग करेंगे। उत्तराखंड की हम बात करें तो 30 से ज्यादा 36 कैडेट उत्तराखंड को मिलेंगे, जो कि उत्तराखंड के साथ इस तरह देश को दे चुका है। इसके अलावा जो मित्र राष्ट्र हैं जो आईएमए में जो पासिंग आउट परेड संपन्न होने वाले देश में जाते हैं, वो करीब 2500 से ज्यादा लोग वहाँ पर नजारा देखिए। और ये हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे आता है, क्योंकि कोरोना काल चला, कोरोना काल में सीमित संख्या में लोग आए हैं, पेरेंट्स को इजाजत नहीं है, लेकिन जो भी लोग आए हैं प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर सभी जगह प्रयोग किया गया है। और आप ये देखेंगे वो लम्हा होता है जब देवियों और सज्जन, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो कृपया खड़े हो जाएं और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। राज्य को मिलेंगे, उसके बाद हरियाणा आता है, फिर उत्तराखंड आता है, ये अन्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, ये सारे अन्य राज्य जहाँ पे कहते हैं। वास्तव में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, क्योंकि आईएमए का इतिहास, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एक जिसको कहते हैं सैन्य का गढ़ जिसको बोल सकते हैं, यहाँ से वो सैन्य के अवसर मिलते हैं जिनको मौसम की चलता रही। मौसम विभाग ने बोला था कि बारिश होगी, बारिश का हमने देखा कि सुबह से अगर 4 बजे के बाद से बारिश हुई थी तो तूफान
अब परेड 3 वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करेगी और उन्हें